पत्र सूचना कार्यालय भोपाल ने रविवार को जिला स्तरीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें अपर महानिदेशक प्रशांत पथराबे ने ऑनलाइन आयोजन से केंद्र सरकार के विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यक्रम में कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने कहा कि शासन की योजनाएं आम जन तक पहुंचे, इसके लिए मीडिया की महती भूमिका होती है। प्रशासन जहां योजनाओं पर जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन करता है, तो वही मीडिया उनका आकलन कर योजना से जमीनी स्तर पर मिल रहे लाभ, समस्या और खामियों का आकलन करता है, जिससे हितग्राहियों तक योजना का लाभ पहुंचने में आसानी होती है। एसपी धर्मवीर सिंह ने कहा कि वर्तमान युग आधुनिक क्रांति का है, कुछ ही पलों में सूचनाओं का आदान प्रदान हो जाता है। ऐसे में पत्रकार अपनी सूझबूझ से अफवाह फैलने से रोक सकते हैं। आपकी सही जानकारी संवेदनशील मामलों को बढ़ने से रोक सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। चीजों को अतिरंजित करके दिखाया गया, टारगेट स्टोरीज की गई। उस समय पूरा प्रशासन, पूरा समाज व्यवस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए लगा हुआ था। उस समय कुछ चंद लोग बाहर से आए थे, उनके साथ जिस प्रकार क्रिएटिव स्टोरीज प्लान की गई, उसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव रहा। लेकिन आप लोगों ने जो दृढ़ता का परिचय देते हुए सही चीजों को रखा, आपने जो मीडिया हेड्स के साथ चीजें शेयर की, जो चीजें देख रही है वो ऐसी नहीं है। हम जो कह रहे हैं हकीकत वही है, उनको भी विश्वास करना पड़ा और यहाँ सामान्य हालात निर्मित करने में बहुत मदद मिली। 1.5 साल में हम लोग बहुत आगे आ गए हैं। आप लोगों ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कई प्रकार की छोटी मोटी घटनाएं लगातार समाज में होती है, उन घटनाओं को निकटता फंड करना चाहिए, उन घटनाओं को उसी लेवल पे खत्म करना चाहिए। प्रशासनिक विभागों को रेगुलर अंतराल पे आयोजित की जानी चाहिए। हमारे साथ आज जो लोग उपस्थित हैं, उनकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं में या किसी भी जिले के विकास में, किसी भी जिले की जो पॉजिटिव एनर्जी है, तो सकारात्मक ऊर्जा को दिशा देने में जितना महत्वपूर्ण योगदान आज मीडिया का है, आज उस युग में जी रहे हैं जहां आपका लिखा हुआ एक शब्द न केवल जिला, प्रदेश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचता है, आपका लिखा हुआ एक संदेश इतनी तेजी से वायरल होता है कि उसको कंट्रोल कर पाना जस्ट इम्पॉसिबल है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्रांति में जी रहे हैं, सूचना की क्रांति में जी रहे हैं। इस युग में जब संचार के इतने जबरदस्त माध्यम है, हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। हमारी जिम्मेदारी अपने शहर के हर नागरिक के प्रति है, हमारी बड़ी जिम्मेदारी है। खरगोन की अगर मैं बात करूं, खरगोन न केवल शहर बल्कि पूरा जिला कानून व्यवस्था की दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील जिला है, या कहीं ना कहीं समाज में विश्वास के भरोसे की कमी आई है। समाज के विभिन्न वर्गों के बीच, विभिन्न समुदायों के बीच हम कैसे भरोसा, विश्वास, सद्भाव कायम कर पाए, आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी है। आज की हमारी पीढ़ी जो बोएगी, वही आगे आने वाली पीढ़ियां काटेंगी। हम अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं पाएंगे। पिछले साल खरगोन जिले के जो हालात थे, खरगोन में खरगोन के स्थानीय मीडिया के साथियों ने जो भूमिका निभाई, जिस प्रकार का धैर्य और गंभीरता का परिचय दिया, कोई मिसाल है। वो मिसाल है, वो हर जगह नहीं मिलता है। कठिन समय में, कठिन परिस्थितियों में संयम रखना, मैं जानता हूं कि आप लोगों के ऊपर, आपके मीडिया हाउस से, चैनल हेड से कितना दबाव रहा होगा चीजों को लेके, न्यूज आइटम्स को लेके। बहुत सी स्कीम केंद्र सरकार की जो जनकल्याण से जुड़ी हुई है,
स्टेट की, शायद मैं स्कीमों को आपको गिनाना शुरू करूं तो मैं ही भूल जाऊंगा क्योंकि सारी मेरे माध्यम जाती है, मेरे को बहुत से काम करने पड़ते हैं। तो केंद्र और मध्य शासक की 50 विभाग में कम से कम 200 से ज्यादा स्कीम होंगी, तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ 200 से कम स्कीम, हर विभाग में 4-5 स्कीम कम से कम होंगी। ऐसा कोई विभाग नहीं है, मैं रेवेन्यू में आऊंगा 10-15 तो रेवेन्यू भी मिल जाएंगे आपको, आपको पुलिस में आऊंगा तो वो 8-10 विभाग कम ही मिलेंगी, चाहे वो नगरीय निकाय हो चाहे ग्रामीण विकास हो, इतनी स्कीम चलती है। तो ये चीजें मैं आपको इसलिए कर रहा हूँ, आप बहुत अनुभवी लोग भी हैं, एक और चिंतन मनन करने की आवश्यकता है कि हम समाज में और हमको क्या एक वातावरण अच्छा बनाने के लिए या समाज की को लाभ दिलाने के लिए कहाँ पर हमको इम्पोर्टेंट चीज पकड़ लेना है कि किन चीजों को लेकर के हमको ऐसा एक वातावरण निर्माण करना है कि बहुत अच्छा हो जाए। कई चीजों में मैं देखता हूँ, सब चीजों में समझता हूँ कि मीडिया चीजों को एक तो शासन प्रशासन और आम जन में सेतु वाला काम करता है, जन कल्याणकारी योजना है जो शासन की बनती है, चाहे केंद्र शासन हो चाहे मध्य प्रदेश शासन हो कोई सा भी, उसका रास्ता कलेक्टर के माध्यम से ही जाता है। तो उधर हमारे पास तो जो भार पड़ता ही है, परंतु उसका फीडबैक वाला जो सिस्टम है, ये तो शासन की सभी योजनाएं आम जन तक पहुंचे और उनका क्रियान्वयन ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका इंडिपेंडेंट आकलन वो मीडिया के माध्यम से ही हो सकता है और हो रहा है। मीडिया के साथ ही कई लोग जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत सी ऐसी जानकारी हमको मिलती है कि इम्प्लीमेंट से कहां सुधार की आवश्यकता है। हालांकि जैसा कि एसपी साहब बोल रहे थे, आजकल जो सूचना क्रांति का जमाना है, मीडिया थोड़ा सा हमारे लगता आलसी हो गए हैं, कभी सब चीज जो है ना व्हाट्सएप पर मिलने लगी है, थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो रही है। मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, और मीडिया को सब चीजें शासन की प्रशासन की सारी स्कीमें व्हाट्सएप पर ही मिल रही है, काम क्या हो रहा है बस वहीं से बैठे बैठे दिमाग लगा रहे हैं। मैं थोड़ा सा आप लोगों से ये भी आग्रह करना चाहूंगा कि समय समय पर आप लोग थोड़ा फील्ड में जाकर के जाएं, तो एक जो कल्याण जी ने जो चीज कही थी मैं उसको भी रिपीट करना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें अच्छी हो रही होती है पर कुछ चीजें कमी भी होती है, तो हमारा एक सकारात्मक जो पहलू होना चाहिए, हम लोग मान लो 100 में से 90 चीज हो गई है उसको हाईलाइट ना करते हुए हम लोग नेगेटिव चीज ही छापे तो वो समाज पर एक बुरा असर भी डालता है और उसे शासन प्रशासन का मनोबल भी टूटता है, क्योंकि इतना सब कुछ किया शासन ने, सब कुछ कर रहा है और उसके बावजूद छप कह रहा है। तो हम मीडिया का एक काम है महत्वपूर्ण काम कि हम समाज को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं, हम कैसा समाज चाहते हैं, हम लोगों में क्या कैसा दिमाग में कैसा बीजारोपण करना चाहते हैं, क्या छवि पेश करना चाहते हैं, ये मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। यदि हमको समाज को बहुत शानदार बनाना है तो उसकी शुरुआत हमसे ही करनी पड़ेगी, मुझे लगता सबसे पहले मीडिया से ही करनी पड़ेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।